गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. इन आवर लास्ट क्लास वी हैव स्टडीड हाइगन्स वेव थ्योरी से रिफ्लेक्शन एज वेल एज रिफ्रैक्शन राइट. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू सी अवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव. प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव हमने काफी बार डिस्कस किया है द टर्म दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन राइट. सो व्हाट डू वी एग्जैक्टली मीन बाय दिस वर्ड दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन दैट वी आर गोइंग टू सी नाउ. ओके सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. मान लीजिए यहां पर कोई पार्टिकल रखा हुआ है. ओके ये कोई पार्टिकल है. यहां से कोई वेव आई वो इस पार्टिकल को ऑब्वियसली क्या करेगी डिस्प्लेस करेगी बाय गिविंग इट सम एनर्जी. और जब वेव इस डायरेक्शन में आई है तो ये पार्टिकल डिस्प्लेस होगा इस डायरेक्शन में राइट. सिमिलरली एक वेव अगर यहां से आई तो उस केस में ये जो पार्टिकल डिस्प्लेस होगा वो इस डायरेक्शन में होगा राइट. बट जब ये दोनों वेव्स एक साथ आ रही हैं तो ये किसी रैंडम डायरेक्शन में यहां कहीं इस डायरेक्शन में मूव होगा पार्टिकल राइट. तो इसका मतलब जब दो वेव्स इस पर एक साथ साइमल्टेनियसली आ रही हैं तो इसका जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा वो दोनों के कारण होने वाले इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट के सम के इक्वल होगा राइट. दिस वी कैन इजीली से है ना. सिमिलरली अगर कोई वेव यहां पर इस डायरेक्शन में भी इंसिडेंट हो रही है तो अगेन उसका जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा वो इन सब का मतलब तीनों के कारण होने वाले इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट का सम होगा. हमने मान लिया कि दिस इज वेव वन दिस इज टू दिस इज थ्री. हमने मान लिया फर्स्ट वाली के कारण जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है दैट इज वाई वन, सेकेंड वाली के कारण जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है दैट इज वाई टू, और थर्ड वाली के कारण जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है दैट इज वाई थ्री. सो द टोटल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द थ्री डिस्प्लेसमेंट्स कॉज्ड बाय ऑल द थ्री वेव्स राइट. तो सिमिलरली वी कैन से दैट the total displacement of a particle is equal to the sum of individual displacements caused by the waves incidenting on that particle. okay this principle is called as principle of superposition. iska matlab yahan par agar humne maan le n number of waves is particle par incident ho rahi hain to the net displacement of this particle due to this n number of waves is equal to the sum of individual displacement caused by all the particles together. And this principle is called as principle of superposition of wave, right? So I hope the principle of superposition is clear to all of you that the resultant displacement of any particle is equal to the individual displacement of all the waves incidenting on that particle. So this is basically the principle of superposition of wave. Okay. Now the next topic that we are going to see is interference. What do we exactly mean by the word interference? That we will see. हमने interference का एक simple सा basic देखा था in our first video of this chapter, right? इस chapter के first video में हमने interference के बारे में एक rough idea देखा था. अब हम interference को detail में discuss करेंगे. What do we mean by the word interference? Obviously, मैंने आपको बताया था कि जब दो light wave of nearly the same amplitude and frequency are propagating in the same medium and direction, तो क्या होता है वो दोनों wave एक दूसरे के साथ interfere करती हैं. Interfere करती हैं मतलब due to the superposition, वो दोनों wave एक दूसरे के साथ मिलती हैं और उन दोनों के मिलने के कारण एक नई wave बनती है. और जो रिजल्टेंट वेव नहीं बनती है उसका एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी इन दोनों वेव से अलग होता है राइट. हो सकता है जो रिजल्टेंट वेव बनी है उसका एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी या हम कह सकते हैं इंटेंसिटी पहले वाली दोनों वेव से ज्यादा हो या हो सकता है दोनों से कम हो. डिपेंड करता है वो केसेस पर. तो ऑल व्हाट आर दोस केसेस दैट ऑल्सो वी विल डिस्कस. बट इंटरफेरेंस इज नथिंग बट when two or more waves are propagating in the same medium of nearly the same amplitude and frequency are propagating in the same medium and direction, then due to the principle of superposition of wave a resultant wave is formed. The amplitude
और द इंटेंसिटी ऑफ दैट रिजल्टेंट वेव इज मे बी ग्रेटर देन द बोथ द वेव्स और इट मे बी लेस देन द बोथ द वेव्स डिपेंडिंग अपॉन द फैक्टर्स एंड वॉट आर दोज फैक्टर्स दैट फैक्टर्स आर बेसिकली फेज ओके सो दैट वी विल स्टडी इन डिटेल हमने क्या बोला उसको अगर हम डायग्रामेटिकली समझें सो स्टूडेंट्स लेट दिस बी एनी वेव जिसका कुछ एम्पलीट्यूड और फ्रिक्वेंसी है और वो इस डायरेक्शन में प्रपोगेट हो रही है राइट अब हमने मान लिया ये कोई दूसरी वेव है दिस वन इज ऑल्सो प्रपोगेट इसका एम्पलीट्यूड और फ्रिक्वेंसी भी इस वाली के सेम ही है ओके सो ये और ये दोनों वेव्स एक ही डायरेक्शन में एक ही मीडियम में ट्रेवल कर रही हैं तो जब ये दोनों वेव्स एक दूसरे से इंटरफेयर करेंगी मतलब दोनों रेज एक दूसरे से मिलेंगी तो इनके कारण एक रिजल्टेंट एक नई वेव बनेगी जिसका जिसकी इंटेंसिटी इन दोनों से ज्यादा भी हो सकती है लाइक दिस ऑब्वियसली जो इंटेंसिटी है वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है तो जब एम्पलीट्यूड ज्यादा तो उसकी इंटेंसिटी भी ज्यादा तो हो सकता है जो नई वेव बनी उसका एम्पलीट्यूड इन दोनों के एम्पलीट्यूड से ज्यादा हो या ये भी हो सकता है कि जो नई वेव बनी है उसका एम्पलीट्यूड इन दोनों के एम्पलीट्यूड से कम हो राइट और इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट ओके सो व्हाट डू वी मीन बाय interference of light that is clear to all of us that whenever the two or more light rays light waves of nearly the same amplitude and frequency are propagating in the same medium and direction then due to the principle of superposition both these waves interfere and a resultant wave is formed the amplitude or the intensity of that resultant wave may depends upon the phase of both the waves okay इंटरफेरेंस दो टाइप का होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड द सेकेंड वन इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पहले हम समझते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ओके हमने क्या बोला जब दो लाइट वेव्स ऑफ सेम एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी प्रोपोगेटिंग इन द सेम मीडियम एंड डायरेक्शन जब वो दोनों लाइट वेव्स एक दूसरे से मिलती हैं और एक तीसरी वेव बनती है और जब तीसरी वेव की इंटेंसिटी उन दोनों की इंटेंसिटी या एम्पलीट्यूड से ज्यादा होती है तो इस टाइप के इंटरफेरेंस को हम क्या बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता कैसे है या क्यों होता है वो समझते हैं हमने मान लिया ये एक वेव है और ये एक दूसरी वेव है और ये दोनों सेम एम्पलीट्यूड और सेम फ्रीक्वेंसी की हैं ओके देयर इज वन मोर थिंग दैट वी कैन ऑब्जर्व हियर अच्छा आपको पता ही है कि क्रेस्ट और ट्रफ क्या होता है राइट जो मैक्स जब टुवर्ड द अपर एक्सिस होता है तो उसको हम बोलते हैं क्रेस्ट और नेगेटिव एक्सिस पर होता है तो उसको हम बोलते हैं ट्रफ राइट तो जब दो वेव्स सेम फेज में हो सेम फेज में होने का मतलब क्या कि जब दोनों का क्रेस्ट एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज करे और दोनों का ट्रफ भी एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज करे इसका मतलब बोथ द वेव्स आर इन द सेम फेज That is when the crest and trough of both the waves are superimposing with each other. Similarly, अगर हम यहाँ पे भी देखें, तो दोनों का crest एक दूसरे के साथ superimpose कर रहा है, और दोनों का trough भी एक दूसरे के साथ superimpose कर रहा है. इसका मतलब these both the waves are in the same phase. तो जब दो waves propagate of nearly the same amplitude and frequency, propagating in the same medium and direction, जब उनका phase या तो same हो या उन दोनों में जो फेज डिफरेंस हो वो कांस्टेंट हो उस केस में जो रिजल्टेंट वेव बनेगी उसका एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी हमेशा ज्यादा होगा उसका उसका एम्पलीट्यूड हमेशा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू बोथ द इंडिविजुअल वेव्स
और इस टाइप के इंटरफेरेंस को ही हम क्या बोलेंगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. ओके, सो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन क्या होती है, दैट बोथ द वेव्स शुड बी इन द सेम फेज और दे मस्ट बी इन द कॉन्स्टेंट फेज डिफरेंस. दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो कैसा हो, कॉन्स्टेंट हो, तब हमको जो इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. मतलब हम ये बोल सकते हैं कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो वेव्स का एम्पलीट्यूड है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है. बढ़ जाता है मतलब प्लस हो जाता है, राइट. सिमिलरली डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब ऑब्वियसली जब दो वेव्स ऑफ नियरली द सेम एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी प्रपोगेटिंग इन द सेम मीडियम एंड डायरेक्शन, और जब एक रिजल्टेंट वेव बने तो उसका एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी उन दोनों वेव्स के एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी से अगर कम हो, तो उस टाइप के सॉरी उन दो जो रिज उस जो रिजल्टेंट वेव है उसकी इंटेंसिटी उन दोनों की इंटेंसिटी से कम हो, तो उस टाइप के इंटरफेरेंस को हम बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को हम इस तरीके से समझ सकते हैं, हमने मान लिया ये कोई एक वेव, लेट दिस बी एनी वेव, राइट, और ये एक दूसरी वेव, जो कंटिन्यूअस कर्व है वो एक पहली वेव है और ये जो डिसकंटिन्यूअस लाइन से मैं बना रहा हूं दैट इज द सेकेंड वेव. तो जब ये दोनों वेव्स इस तरीके से प्रपोगेट हों कि दोनों का मीडियम एंड डायरेक्शन मतलब एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी आर इन द सेम फेज एंड दे आर प्रपोगेटिंग इन द सेम मीडियम एंड डायरेक्शन, देन इफ द क्रेस्ट इज सुपर क्रेस्ट ऑफ फर्स्ट वेव इज सुपर इम्पोजिंग विद द ट्रफ ऑफ सेकेंड वेव एंड क्रेस्ट ऑफ फर्स्ट वेव इज प्रोपोगेटिंग विद द ट्रफ ऑफ फर्स्ट वेव एंड व्हेन द ट्रफ ऑफ सेकेंड वेव इज प्रोपोगेटिंग विद द क्रेस्ट ऑफ फर्स्ट वेव, मतलब जब पहली वेव का क्रेस्ट पहली वेव के ट्रफ के साथ और पहली वेव का ट्रफ पहली वेव के क्रेस्ट के साथ सुपर इम्पोज करता है, तो उस तरीके से उस सुपर इम्पोजिशन से जो जो रिजल्टेंट वेव बनेगी उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, कम होगा एज कंपेयर टू बोथ द वेव्स, और इस टाइप के इंटरफेरेंस को ही हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, राइट. अगर इसको भी हम उसी फिगर के हिसाब से समझें तो इट मे लुक लाइक दिस. एज यू कैन सी हियर कि ये दोनों वेव्स प्रपोगेटिंग दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, फ्रिक्वेंसी सेम है, लेकिन दोनों का फेज जो है वो अपोजिट है. इसका मतलब इस पोजिशन पे आपको एक का क्रेस्ट मिल रहा है और इसी पोजिशन पे आपको दूसरे का क्या मिल रहा है, ट्रफ मिल रहा है. इसका मतलब बोथ द वेव्स आर इन अपोजिट फेज विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर. तो जब दो वेव्स एक दूसरे के साथ अपोजिट फेज में होती हैं तो उस केस में जो रिजल्टेंट वेव बनती है उसका एम्पलीट्यूड हमेशा कैसा होगा, कम होगा एज कंपेयर टू बोथ द वेव्स दैट आर प्रोपोगेटिंग इन द सेम मीडियम एंड दिस काइंड ऑफ इंटरफेरेंस इज कॉल्ड एज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. ओके, सो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज नथिंग बट जो वेव बनी है उसका इंटेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए उसको हम बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो रिजल्टेंट वेव बनी है उसकी इंटेंसिटी कम होती चाहिए उसको हम बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. दूसरी चीज, जब दोनों वेव्स का क्रेस्ट और दोनों वेव्स का ट्रफ एक साथ सुपर इम्पोज करें तो दैट इज द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और जब एक का क्रेस्ट और दूसरे का ट्रफ सुपर इम्पोज करें तो दैट इज द कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. ओके, सो दिस इज द केस ऑफ इंटरफेरेंस एंड बोथ द टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस दैट इज द कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर दिस इंटरफेरेंस. अब हम क्या करेंगे, एक्सप्रेशन को इस इंटरफेरेंस को मैथमेटिकली प्रूव करेंगे. ओके,
ओके सो वी आर गोइंग टू डिराइव अ मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इंटरफेरेंस. ओके ऑब्वियसली हम बात कर रहे हैं वेव्स की, राइट. अगर हम इंटरफेरेंस की बात कर रहे हैं, इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट टू वेव्स. और हमको मालूम है कि वेव की इक्वेशन कैन बी गिवन बाय y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t, राइट, वेयर a इज द एम्पलीट्यूड, ओमेगा इज द फेज ऑफ पर्टिकुलर वेव एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम स्मॉल t. आप वेव्स एंड ऑसिलेशन प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हो, तो यू मस्ट बी क्लियरली नोन दैट कि जो वेव की इक्वेशन है दैट कैन बी गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन. जब हम बात कर रहे हैं फर्स्ट वेव की, तो हमने मान लिया कि फर्स्ट वेव का एम्पलीट्यूड क्या है, a1 है. ओके सो a1 sin omega t, y1 is equal to a1 sin omega t, this is our first equation. Similarly, a2 जो हो गया वो सेकेंड वेव का एम्पलीट्यूड हो गया, तो a2 sin omega t plus phi, this is the second wave, where phi is the phase difference between both the waves. ठीक है, हमने मान लिया ओमेगा, ये जो ओमेगा है दैट इज द फेज, और ये जो phi है दैट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन बोथ द वेव्स. ओके सो बाय द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा दैट इज ऑब्वियसली इक्वल टू y1 प्लस y2, राइट. सो व्हाट डू वी गेट फ्रॉम हियर, y इज इक्वल टू y1 की जगह हमने y1 की वैल्यू पुट कर दी, दैट इज a1 sin omega t प्लस a2 sin omega t plus phi, right? Now students we know that अगर हम इसको देखें तो हमको यहाँ पे easily समझ में आ रहा है कि हम यहाँ पे एक formula apply कर सकते हैं sin a plus b का. What do we know? That sin a plus b is equal to sin a cos b plus cos a sin b, right? हम यहाँ पे formula apply कर सकते हैं. We know that एक identity होती है, especially the bio students उनको शायद नहीं पता होगा, sin a cos b plus cos a sin b. Okay? तो हमने कुछ नहीं किया, a को omega t मान लिया, b को phi मान लिया, और यहाँ पर इस formula में value put कर दी, so we will get this one. Okay? Now, इस a2 का multiply अगर मैं इस पूरे bracket में कर दूं, so what I will get, a2 is equal to sin omega t, sorry, यहाँ पर a1 है, this is a1, a2 sin omega t cos phi plus a2 cos omega t sin phi. Okay? Now, what do we get from here, students? यहां से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, कैपिटल वाई इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स में से साइन ओमेगा टी को कॉमन ले लेते हैं. सो व्हाट डू वी गेट, ए वन प्लस ए टू कॉस फाइव इंटू साइन ओमेगा टी प्लस ए टू कॉस ओमेगा टी साइन फाइव, राइट. तो हमने कुछ नहीं किया, इन दोनों टर्म्स में से साइन ओमेगा टी कॉमन ले लिया, और यहां पर ए टू कॉस ओमेगा टी साइन फाइव एज इट इज लिख दिया. अब वी कैन डू वन थिंग, दिस ए वन प्लस ए टू कॉस फाइव, मैंने मान लिया कि जब ये दो वेव्स एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज करती हैं, तो जो रिजल्टेंट वेव बनती है उसका उसका एम्पलीट्यूड मैंने मान लिया r cos, और जो फेज होगा रिजल्टेंट वेव का उसको मैंने मान लिया जाए, राइट. सो आई हैव रिटन r cos जाए हियर इन प्लेस ऑफ दिस. सिमिलरली इस a2 sin phi को मैं मान लेता हूं इज इक्वल टू r sin जाए. तो कुछ नहीं, मैंने इन दोनों टर्म्स को लेट किया है, राइट. नाउ ऑन पुटिंग बोथ दीज वैल्यूज, गिव इट इक्वेशन नंबर वन, दिस वन इक्वेशन नंबर टू, हम क्या करेंगे, इक्वेशन वन और इक्वेशन टू की वैल्यू
ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे. सो व्हाट डू वी गेट फ्रॉम हियर, y इज इक्वल टू r cos जाए sin ओमेगा t एज इट इज प्लस r sin जाए cos ओमेगा t. अगर इन दोनों टर्म्स में से मैं r कॉमन ले लूं तो अंदर बचा cos जाए sin ओमेगा t प्लस साइन जाए कॉस ओमेगा टी, राइट. और यहां से आर कॉमन, अगर मैं यहां से देखूं तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, राइट. और अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी को हम लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी, राइट. सो वी कैन राइट इट साइन ए प्लस बी हियर. Give it equation number 3. This is the value of resultant displacement, that is capital R, where resultant displacement, that is capital Y, where capital R is the resultant amplitude of the wave and omega T is the omega T plus phi will be the resultant phase difference of the resultant wave from the two individual waves, right. Now, what do we do students? अब हम क्या करेंगे? इस equation 1 और equation 2, दोनों को सबसे पहले तो हम square करेंगे और दोनों को add कर देंगे. So, on squaring and adding equation 1 and equation 2, ठीक है? अब हम इक्वेशन 1 और 2 को स्क्वायर करने के बाद ऐड कर देते हैं. सो व्हाट डू वी गेट फ्रॉम हियर. सबसे पहले आरएचएस आरएचएस लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर जाए प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर जाए इज इक्वल टू द एलएचएस दैट इज ए1 प्लस ए2 cos phi का होल स्क्वायर प्लस a2 sin phi का होल स्क्वायर, राइट. सो हमने कुछ भी नहीं किया, दोनों टर्म्स को लिख दिया, मतलब दोनों टर्म्स का स्क्वायर कर दिया और फिर दोनों को हम ऐड कर रहे हैं, राइट. सो आई कैन टेक r स्क्वायर कॉमन फ्रॉम बोथ द टर्म्स. यहां पर बच गया cos स्क्वायर जाए प्लस sin स्क्वायर जाए इज इक्वल टू, यहां पे लिख लेते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, राइट. तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. b स्क्वायर मतलब a2 cos स्क्वायर phi प्लस, यहां पर भी हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी से सॉल्व करेंगे. सो व्हाट डू वी गेट, a2 स्क्वायर sin स्क्वायर phi, राइट. नाउ फ्रॉम हियर व्हाट डू वी गेट, cos square theta plus sin square theta आपको पता है क्या होता है, 1. So cos square theta plus sin square theta is equal to 1 और 1 into r square is r square. तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, सिर्फ r square. Now a1 square plus 2 a1 a2 cos phi plus a2 square common from both the terms. यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, cos square phi plus sin square phi. और आपको पता है बाय द आइडेंटिटी दैट कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव इज ऑलवेज इक्वल टू 1. सो फ्रॉम हियर व्हाट डू वी गेट, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए वन स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस फाइव प्लस ए टू स्क्वायर, राइट. इनटू में 1 है इसलिए हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं. और यहां पे अगर हम इसको कंपेयर करें स्टूडेंट, सो व्हाट डू वी गेट, आर स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा, r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए वन स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस फाइव प्लस ए टू स्क्वायर. दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ द इंटरफेयर्ड वेव दैट इज फॉर्म्ड बाय द सुपरपोजिशन ऑफ द टू वेव्स, राइट. नाउ स्टूडेंट्स, we know that the intensity of the wave is proportional to
एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, राइट? एज आई हैव जस्ट टोल्ड यू कि किसी वेव का एम्पलीट्यूड जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा उसकी इंटेंसिटी होगी. इसका मतलब आई इज प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, वेयर आई इज द इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड जो है वो आर हो गया. सो आई इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. ऑब्वियसली जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो वी हैव टू इंट्रोड्यूस अ कॉन्स्टेंट हियर एंड लेट दैट कॉन्स्टेंट बी के. सो आई इज इक्वल टू k, r स्क्वायर की जगह r स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं. व्हाट डू वी गेट? a1 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi प्लस a2 स्क्वायर, राइट? सो वी हैव जस्ट पुट इट द वैल्यू ऑफ r स्क्वायर फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन हियर. हमने क्या कर दिया? r स्क्वायर की वैल्यू जस्ट पुट कर दी है, राइट? नाउ व्हाट डू वी डू? नाउ दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द इंटेंसिटी ऑफ द resultant wave that is formed by the interference of the two waves, right? अब यहाँ से हमारे पास दो cases arise होंगे depending upon the value of this phi, right? इस phi की value पर depend करेगा कि हमको constructive interference मिल रहा है या destructive interference मिल रहा है, क्योंकि हमको पता है कि constructive और destructive interference किस पे depend करता है? Phase पे. और यहाँ पे phase कौन, phase का मतलब क्या? Phi, right? तो इस phi की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि हमको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा, राइट? तो व्हेनेवर phi इज इक्वल टू 2n pi वेयर n बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर. तो जब भी phi की वैल्यू 2n pi होगी वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, इसका मतलब क्या? व्हेन phi इज इक्वल टू 2 pi 4 pi 6 pi अप टू सो ऑन डॉट डॉट डॉट. तो जब भी phi की वैल्यू 2n pi होती है तो उस केस में cos pi हमेशा क्या होता है? 1, राइट? सो व्हाट डू वी गेट फ्रॉम हियर? I इज इक्वल टू k a1 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 प्लस a2 स्क्वायर, राइट? और I इज इक्वल टू k, हम इसको लिख सकते हैं a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, राइट? और यहां से अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी का इस इक्वल टू को हटाऊं और प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगाऊं तो फ्रॉम हियर आई विल गेट, इसका मतलब जब हम बात करते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, दिस इज द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. यू हैव टू राइट द स्टेटमेंट हियर दैट दिस इज द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. इसका मतलब क्या कि जब हम बात करते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की तो जो दोनों वेव्स हैं उन दोनों के एम्पलीट्यूड्स क्या हो जाते हैं? प्लस हो जाते हैं. तो जब दोनों के एम्पलीट्यूड्स प्लस हो जाएंगे तो जो रिजल्टेंट वेव बनेगी उसका एम्पलीट्यूड ऑब्वियसली ज्यादा होगा एज कंपेयर टू बोथ द वेव्स. और जब एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली इंटेंसिटी भी क्या होगी? ज्यादा होगी, राइट? नाउ वी आर गोइंग टू डिराइव एन अब इसका केस टू लेकर चलते हैं दैट विल गिव अस द कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. इसका जो केस टू है दैट विल गिव अस द कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. सो case 2 we are going to see now. In that case phi is equal to 2n minus 1 into pi where n belongs to a natural number. So phi is equal to 2n minus 1 into pi where n belongs to a natural number. Iska matlab kya ki jab phi jo hai wo odd multiple ho, matlab pi ho, 3 pi ho, 5 pi ho, 7 pi ho, अप टू सो ऑन, तब हमेशा जो cos phi है उस cos phi की वैल्यू हमेशा कैसी होती है? माइनस वन. मतलब जब phi की वैल्यू 2n pi तो cos phi की वैल्यू 1, और जब phi की वैल्यू माइनस वन, जब phi की वैल्यू 2n माइनस 1 इंटू पाई देन cos phi इज इक्वल टू माइनस 1. सो व्हाट डू वी गेट फ्रॉम हियर? I इज इक्वल टू k a1 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi की वैल्यू हो गई माइनस 1 प्लस a2 स्क्वायर. हमने क्या किया यहाँ पे? cos phi की जस्ट वैल्यू पुट कर दी और कुछ भी नहीं, राइट? सो व्हाट डू वी गेट फ्रॉम हियर? I इज इक्वल टू k, ये हो जाएगा a1 स्क्वायर माइनस 2a1 a2 प्लस a2 स्क्वायर, राइट? और यहां से हमारे पास आ जाएगा k, इसको हम लिख सकते हैं a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर, राइट? ऑब्वियसली
अगर मैं यहाँ से इक्वल टू का साइन हटाऊं, सो आई हैव टू राइट हियर प्रोपोर्शनलिटी का साइन, तो आई विल गेट ए वन माइनस ए टू का स्क्वायर. दिस इज द कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. इसका मतलब क्या कि जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो ऑब्वियसली जो रिजल्टेंट वेव बनी है इंटरफेरेंस के बाद उसकी इंटेंसिटी जो है वो कम होगी एज कम्पेयर टू द एम्पलीट्यूड ऑफ बोथ द वेव्स, राइट. So I is proportional to a1 minus a2 का whole square. इसका मतलब जो resultant wave है उसका amplitude कम है as compared to both the waves. So this is the condition for destructive interference. Okay? So as we can see it from here, कि constructive interference में amplitude हमेशा add होते हैं और destructive interference में amplitudes हमेशा minus होते हैं. Okay? So this is the whole derivation for the mathematical interpretation of interference. And the condition of the interference, that is the constructive and destructive one. Okay? So that's all for today's class, students. The further topics we will study in the next lectures. Thank you.